पाकिस्तान में सियासी इत्तेहाद बनने, उनमें इख्तिलाफात होने, दरारें पड़ने और आखिरकार टूट जाने की तारीख पुरानी है। सियासी इत्तेहाद कभी हुकूमतों को गिराने के लिए बने तो कभी हुकूमतें बनाने के लिए। इंतखाबी इत्तेहादों में 9 सितारों वाले इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद या IJI ने कामयाबी जरूर हासिल की, लेकिन ये इत्तेहाद आज तक मुतनाज़ा है। इस वक्त अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद PDM मैदान में है। ये इत्तेहाद हुकूमत गिराना चाहता है लेकिन कैसे गिराएगा कुछ पता नहीं। लॉन्ग मार्च करना चाहता है लेकिन कब करना है, कहाँ से चलना है, कहाँ रुकना है कुछ पता नहीं। धरना देना चाहते हैं लेकिन किस तारीख को देना है, कहाँ से देना है कुछ पता नहीं। लॉन्ग मार्च, धरने और इस्तीफों से भी हुकूमत ना गिरी तो फिर क्या करना है इसका भी कुछ पता नहीं। वजीर आजम कहते हैं कि PDM की अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से ये इत्तेहाद अपनी मौत आप मर जाएगा। इस्तीफों वाले अब इस्तीफे देने से भाग रहे हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हमारे इस्तीफे एटम बॉम्ब हैं, लेकिन ये कैसे एटम बॉम्ब हैं कि चलने से ही डर रहे हैं? ये कैसे एटम बॉम्ब हैं कि चलाने वाले परेशान हैं, कंफ्यूज हैं, सोच में गुम हैं? ये कैसे एटम बॉम्ब हैं कि सिर्फ क़यादत को जमा करवाए जा रहे हैं, स्पीकर तक पहुंचने से ही घबरा रहे हैं और जो स्पीकर तक पहुंच गए वो इनकारी हैं? ये कैसे एटम बॉम्ब हैं कि स्पीकर तस्दीक के लिए बुला रहे हैं लेकिन देने वाले तस्दीक से भाग रहे हैं? ये कैसे एटम बॉम्ब हैं कि चलाने का वक्त ही तय नहीं हो रहा और तारीख पर झगड़ा चल रहा है? भाई ये कैसे एटम बॉम्ब हैं कि आसिफ जरदारी इस्तेमाल ना करने पर कायल कर रहे हैं? ये कैसे एटम बॉम्ब हैं कि देने वाले सुस्त और कबूल करने वाले तेज हैं? क्या इन एटम बॉम्ब से हुकूमत अपनी जगह से हिलेगी या एटम बॉम्ब चलाने वाले ही अपनी अपनी जगहों से हिल जाएंगे?